हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरेश और जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें लंबे समय से त्वचा पर दांत खाज खुजली की समस्या रहती है, बॉडी पर रेडनेस या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या किसी भी तरह की स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ जो हर तरह की स्किन एलर्जी में काम करता है, और इसे यूज करते ही हमारी स्किन में तुरंत राहत महसूस होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस केलाड्रिल स्किन सूथिंग सॉल्यूशन की, जो कि हर तरह के स्किन एलर्जी में यूज की जाने वाली काफी जबरदस्त स्किन सूथिंग लोशन है, जिसे ज्यादातर स्किन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो कि एक टॉपिकल लोशन है। दोस्तों, ये लोशन 125 ml के पैक में आती है, जिसके बोतल को देखकर ऐसा लगता है कि ये टॉनिक या सिरप होगी, लेकिन ये टॉनिक या सिरप नहीं है, ये एक लोशन है जिसे ओरल बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका प्राइस यहाँ 80 रुपीस 83 पैसा मेंशन किया गया है, जो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें इसके कंटेंट की, तो दोस्तों इसका मेन कंटेंट है केलेमाइन, जिसके बारे में मैंने मेरे लैक्टो केलेमाइन लोशन वाले एक वीडियो में पहले ही बताया है। दोस्तों, केलेमाइन में जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ये दो एक्टिव कंटेंट होते हैं जो त्वचा में होने वाली खुजली जलन से राहत पहुंचाने का काम करती है। केलेमाइन यह त्वचा में ठंडक पहुंचाने का काम करती है, सनबर्न से होने वाली इचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, दांत खाज व खुजली के रोकथाम में मदद करती है, इंसेक्ट बाइट्स में हेल्प करती है, चिकन पॉक्स के दौरान होने वाली इचिंग में हेल्प करती है, और त्वचा के छोटे मोटे जख्मों को भरने का काम भी केलेमाइन बहुत अच्छी तरीके से करती है। इसका दूसरा कंटेंट है डिपेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी हिस्टामाइन है, जिसका उपयोग कीड़े के काटने, मधुमक्खी के डंक, पोविजन आईवी, पोविजन ओक और त्वचा में होने वाली हल्की पुल्की खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है। वहीं तीसरा और लास्ट कंटेंट है एथेनॉल, जिसे हम रबिंग एल्कोहल भी कहते हैं, जिसका उपयोग सैनिटाइजर में किया जाता है। यह एक एंटीसेप्टिक होता है जो सरफेस से बैक्टीरिया को डिक्रीज करने का काम करता है। दोस्तों, बस यही तीन कंटेंट का मिश्रण करके यह एक जबरदस्त लोशन बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल हर तरह के स्किन एलर्जी में किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों, जिस जगह पर आपको इचिंग या बर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, बस उस जगह पर इस लोशन की थोड़ी सी मात्रा लेकर के लगा लीजिए, फिर हल्के हाथों से मसाज करें, ये लोशन तुरंत स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। इस लोशन को आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, जिसे 2 से 3 हफ्तों तक ही यूज करना है। इस बीच आपकी जो भी समस्या होगी स्किन एलर्जी को लेकर, वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इस लोशन का उपयोग आप गुप्तांगों पर होने वाली खुजली पर भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जो डॉक्टरों की स्टेरॉइड क्रीम भी नहीं देती है। लेकिन एक बार आप इस लोशन को लगा कर देखना, आपकी जैसी भी खुजली हो, वो चाहे सनबर्न के कारण हो, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो, चिकन पॉक्स के कारण हो, या इंसेक्ट बाइट्स के कारण हो, ये 80 रुपए का लोशन तुरंत राहत पहुंचाता है, जिसे WHO ने भी मान्यता दी है। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो, आप बेझिझक इस लोशन को लगाएं, आपको 2 से 3 दिनों में ही पूरा आराम हो जाएगा। तो इस लोशन के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।